हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। ऐसा कोई बीमारी नहीं जो ये हमारे वीडियो में देख सकते हैं कौंच ये ठीक ना कर पाए, तो अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। वैसे मेरे वीडियो के टाइटल और थंबनेल देख ही चुके हैं कि कौन सा जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, कोई भी जानकारी जो होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके काम आएंगे। आने वाले टाइम में अगर आपके शादी होंगे, आप भी शारीरिक परेशानी से जूझ रहे होंगे, यौन समस्या से जूझ रहे होंगे, तो हमारे आज के वीडियो में बताए गए जानकारी हमेशा आपको काम आएंगे। या जो लोग शादीशुदा हैं, जिनको स्टेमिना की कमी है, वो लोग अपने फायदे के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। थोड़ा सा इसका पहचान बता देता हूँ, फिर इसका औषधि लाभ बताऊंगा। औषधि लाभ बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे थोड़े भी वीडियो जानकारी अच्छी लगती है, वीडियो में बताए गए तरीके अच्छी लगती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप अपना 4 मिनट का बहुमूल्य समय आज मुझे दे, इसमें मैं आप लोगों को लाखों रुपए की दवा फ्री में सिखाऊंगा, यानी कि कौंच का औषधि प्रयोग सिखाऊंगा। इसे कौंच के नाम से जानते हैं, कई जगह केवाच बोलते हैं, और जो केवाच है एक प्रकार की लता होता है। आमतौर पर लोग इसे कौंच के नाम से अधिकतर जानते हैं, आपके किस नाम से जाना जाता है हमें जरूर बताना। पुराने आयुर्वेद ग्रंथों में केवाच के बारे में जानकारी मिलती है। केवाच दो प्रकार की होती है, इसके दो प्रजातियां होती हैं, एक में सबसे ज्यादा रोए होती हैं और एक में कम रोए होती है। सबसे ज्यादा जो रोए होती है दोस्तों, वह जंगली केवाच कहलाता है, और एक जो कौंच होती है ना, इसकी खेती की जाती है। तो इसी काज में आप लोगों को फायदा बताने वाला हूँ। दोनों में औषधि गुण सेम ही होते हैं, तो इसके औषधि गुण कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, जिन लोगों को अगर सांस की संबंधी परेशानी है, श्वास संबंधी बीमारी है, श्वास फूलते हैं, तो गाइस यह जानकारी आप दूसरे को बता देना, स्वयं नहीं करना चाहते हैं, आसपास में पाड़ा पड़ोस में घर परिवार में किसी को हो गए, सांस ऊपर नीचे होता है, श्वास संबंधी जो भी बीमारी है, तो अगर 1 से 2 ग्राम केवाच के बीज के चूर्ण को मधुरस और घी में मिलाकर के समान मात्रा में सेवन किया जाए, तो श्वास संबंधी बीमारियां हमेशा के लिए जड़ से समाप्त हो जाती है। तो अपने फायदे के लिए वीडियो को आज पूरा जरूर देखना, आधे बीच में छोड़ करके मत जाना, क्योंकि ऐसा कोई बीमारी नहीं जो इसे ठीक ना हो। इसके बाद दस्त लगने पर, अचानक से कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, दस्त ज्यादा लगते हैं, पेचिश ज्यादा लगने लगते हैं और परेशान हो जाते हैं, पेचिश ठीक नहीं होते, तो 5 से 10 ग्राम केवाच की जड़ के पेस्ट को चावल के धोवन के साथ पिला देने से पेचिश की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। किडनी विकार संबंधी परेशानी, किडनी में कोई भी परेशानी है, तो इसके जड़ का काढ़ा बना करके 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में पीने से किडनी की बीमारी या पेशाब संबंधी बीमारियां जो होती हैं वह ठीक हो जाती हैं। मूत्र संबंधी परेशानी है, तो 1 से 2 ग्राम कौंच के बीज का सेवन करने से मूत्र संबंधी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार की ये यौन संबंधी बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं। अब इधर की जानकारी आपको बाद में काम आएंगे। तो ये ढीले योनि को टाइट करते हैं। केवाच की जड़ के काढ़ा से योनि को धोने से जो योनि में संकुचित पन आते हैं, काम के तनाव की वजह से या किसी चीज की वजह से, या जो बच्चे योनि मार्ग से बाहर आते हैं तो योनि में जो फैलाव हो जाते हैं, तो अगर इसके जड़ का काढ़ा से अगर योनि को धोया जाए तो योनि शैथिल्य हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं। इसके बाद ये माता बहनों में लिकोरिया की बीमारी में काम आते हैं, जिसे हम सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं, और इस बीमारी से अधिकतर महिलाओं के शरीर कमजोर हो जाती हैं। गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस प्रकार के पेड़ पौधे की जानकारी हमेशा काम आती है। आप स्वयं नहीं करते तो जनहित में कल्याण कर सकते हैं, दूसरे को इस औषधि का प्रयोग बता सकते हैं, जानकारी कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, आप लाखों रुपये को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो सिंपल से इसका प्रयोग करना है, 1 से 2 ग्राम इसके बीजों के चूर्ण को आपको खिला देना है, चावल के जो पानी होते हैं जिसे मांड बोलते हैं उसके साथ में खिला देना है 1 ग्राम की मात्रा में, तो सफ़ेद पानी निकलना बंद हो जाते हैं। लकवा की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है। कौंच के बीज को पीस करके, जहाँ पे अगर किसी को गलती से बिच्छू डंग मार लेते हैं, तो तुरंत पीस करके पेस्ट बांध करके लगा देना, बिच्छू के जहर खत्म हो जाते हैं, तत्काल रूप से खत्म हो जाते हैं। तो यही थी इसके छोटे से जानकारी। यह जानकारी कैसा लगी मित्रों हमें जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।